गाइस देखो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जो मेरी क्लास टीचर मैम थी उसी के ही ना बेटी से मुझे प्यार हो गया था। एंड वही गाइस, ये वीडियो मैं उसी के ऊपर ही बना रहा हूँ कि हमारे बीच क्या कुछ हुआ था। एंड इसका एक पार्ट वन भी मैं बना के रख रखा हूँ, अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। एंड ये है उसका पार्ट टू। गाइस मेरी रियल स्टोरी है रियल गर्लफ्रेंड के बारे में। एंड आई होप इस वीडियो में गाइस आप उसका फेस भी देख लो एंड आपको उसका नाम भी पता चल जाए। तो यार जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया ना तो पार्ट वन भी देख लेना इसके बाद, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बस इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पार्ट वन के बारे में बता देता हूँ। गाइस देखो, पार्ट वन में कुछ यूं हुआ था, मैं चर्च में गया था एंड गाइस वहां पे मुझे एक लड़की दिखी। एंड गाइस वो भी मुझे देख रही थी, मैं भी उसे देख रहा था। एंड हम दोनों ने वहां पे बहुत देर बाद थोड़ी बहुत बातचीत करी। एंड बातचीत करने के बाद वही नंबर नंबर लेना देना हो रहा था। एंड उसके पास मेरा नंबर पहले से ही था। अब वो पहले से कैसे था वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। एंड गाइस मुझे नहीं पता था वो मेरी क्लास टीचर की बेटी थी। हम लोगों ने बातचीत करा, हमको प्यार हो गया। एंड फिर सर्दियों की जो छुट्टी होती है, सर्दियों की छुट्टी खत्म हो गई एंड स्कूल हमारे फिर से ओपन हो गए थे। तो मैं स्कूल गया, स्कूल के पहले ही दिन वो अपने मम्मी के साथ, यानी कि गाइस क्लास टीचर जो थी मेरी उसके साथ गाइस स्कूल में आती है। एंड मैं लिटरली शॉक हो जाता हूँ कि भाई ये हमारी मैम के साथ कैसे आ गई। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि ये उसी की ही बेटी रहती है। फिर गाइस पांचवें पीरियड में वो एक और बार आती है। एंड जो मैम हमें पढ़ा रही होती है उसको बोलती है कि विपू कौन है इस क्लास में, उसको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो मैम भी बोल देती कि जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। बट होता ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने एकदम झूठ बोला था क्लास में जाके। उसने गाइस प्रिंसिपल के बहाने से मुझे स्कूल से ही बाहर लेके गई एंड हम लोग गंगा जी में जाके बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो इतना ही गाइस पार्ट वन में मैंने बताया था। एंड इसके बाद होता है पार्ट टू स्टार्ट। फिर गाइस हम जैसे ही गंगा जी पहुंचे, मैंने पूछा उससे कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जो तुम्हारी मम्मी है वो मेरी क्लास टीचर है। तो वो कहती है मुझे लगा तुम्हें पहले से ही पता होगा। फिर जाके मुझे पता चलता है कि भाई ये तो सच्ची में मेरी क्लास टीचर की बेटी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जल्दी मेरा टिकट कट जाएगा और मम्मी और पापा को भी पता चल जाएगा, और मम्मी पापा तो अलग ही पेलेंगे, प्लस बेइज्जती अलग होगी और स्कूल से नाम अलग कट जाएगा अगर मैं इससे बात करूंगा। तो ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था एंड मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ गया था। उससे बात करूं क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। गाइस आप बोल सकते हो मेरी फट रही थी बहुत ही ज्यादा कि अब मैं क्या करूं, पर वो अब मेरी गर्लफ्रेंड थी तो अब मैं क्या ही कर सकता था, मैं भी मजबूर था। अब जो होगा देखा जाएगा, मैंने भी यही सोचा। एंड गंगा जी में बैठ के हमने काफी देर तक बातचीत करी। वहां एक रेस्टोरेंट था, हमने वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया भाई, चाउमीन मोमो ही चलते हैं लड़की जब लड़के होते हैं, और या फिर पिज्जा। तो गाइस मैंने मोमो ऑर्डर किए थे, उसने चाउमीन खाया था एंड हमने वहां पे खाया। गाइस खाते खाते बातचीत करते करते टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं था एंड एक घंटे से भी ज्यादा मैं स्कूल से बाहर था, स्कूल के यूनिफॉर्म में भाई मैं रेस्टोरेंट में बैठ के लड़की के साथ खा रहा था। बताओ एक डेढ़ घंटे से भी ज्यादा, बताओ स्कूल से गायब एक लड़का। एंड अगर मैम को पता चलेगा कि ये विपू एक घंटे तक स्कूल से बाहर था, एंड प्रिंसिपल सर को अगर बाई चांस भनक भी पड़ गई कि भाई ये वाले क्लास का बच्चा एक घंटे तक स्कूल से बाहर था, मतलब टप रखा था, तब मेरी हालत क्या होगी आप सोच के चलो। वो तो जो प्रिंसिपल सर होगा वो तो डायरेक्ट मम्मी पापा को बताएंगे एंड जो मेरी क्लास टीचर मैम है वो तो गाइस मुझे इतना हेडशॉट मारेगी कि भाई मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। एंड प्लस मेरा टीसी अलग से काट देगी, क्योंकि यार उनके हाथ में पावर है ना टीसी काटने का, मेरे क्लास टीचर मैम जो है एंड उन्हीं की बेटी के साथ में बाहर था, उनको ये बात कौन बताए। अगर बाई चांस उन्हें ये बात भनक भी पड़गी ना तो मैं स्कूल से बाहर रहूं या फिर स्कूल के अंदर ही रहूं, वो गाइस टीसी काट के ही रहे। और फिलहाल अभी तो मैं स्कूल में नहीं जा सकता था क्योंकि एक डेढ़ घंटे तक मैं बाहर था, तो मैं काफी ज्यादा डर गया था यार। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो जो मेरा बैग है वो तो स्कूल के अंदर ही है ना, तो मैम लोग तो समझ ही जाएंगे कि ये टप गया बच्चा। एंड मेरी फिर अगले दिन स्कूल में जाऊंगा तो भाई पिटाई हो जाएगी, खैर ही नहीं मेरी। तो यार मैं डर रहा था काफी ज्यादा। तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना उसको ये बात समझ में आ गई, मैंने उसको बता दिया कि यार मेरा बैग तो स्कूल के अंदर ही है और तुम मुझे स्कूल से बाहर लेके आ गए थे, अगर मैं कल के दिन स्कूल में जाऊंगा तो मेरी पिटाई अलग होगी, या फिर अभी अगर स्कूल में जाऊंगा तब तो भाई मुझे लटका ही डालेंगे पूरा। तो गाइस मैंने ये बात एकदम ना क्लियर उसको बता दी थी। फिर वो गाइस मुझको बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बैग मैं आराम से लेके आ जाऊंगी। अब ऐसा क्यों बोला उसने गाइस आपको पता है, क्योंकि वो क्लास टीचर की बेटी थी, उस पे ये पावर था, वो जब मन करे स्कूल के अंदर जाए या फिर बाहर आए, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता था। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो यार अब ये बैग लेके आ जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जब स्कूल में जाती है, मेरे क्लासरूम में जाती है, तब उसको वो बैग मिलता ही नहीं है। वो ढूंढती है गाइस, उसको वो बैग नहीं मिलता क्योंकि मेरा बैग पहले ही अपने जगह से गायब हो गया था। अब वो मैम ने लिया था या फिर मेरे दोस्तों ने छुपाया था, ऐसी गाइस कुछ हुआ होगा। बट गाइस मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ी ना पता था, वो तो ढूंढ रही थी, उसको ये बात पता ही नहीं थी कि जो मेरा बैग है वो क्लास टीचर मैम ने लिया है या फिर मेरे दोस्त
दोस्तों ने रखा है, तो वो टेंशन में आ गई गाइस, वापस मेरे पास आके बोलती है कि तुम्हारा बैग नहीं मिला। जब गाइस उसने मुझे ये बात बोली ना कि मुझे तुम्हारा बैग नहीं मिला, तब जाके तो भाई मैं कांप रहा था, पूरा का पूरा डर गया था। क्योंकि देखो अगर बैग मैम ने लिया होगा ना, तो मैम तो भाई आप समझ जाओ कि भाई कल अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मारेगी अलग, प्रिंसिपल सर को अलग पता चलेगा, मम्मी को प्रिंसिपल सर फिर बता देंगे और टीसी अलग कट जाएगी। तो मैं काफी ज्यादा डर गया था कि अगर मैम के हाथों में बैग चढ़ गया तो भाई मेरा गला भी चढ़ गया फिर तो समझो। पर कोई बात नहीं, स्कूल की जैसी छुट्टी होने का समय हुआ तो गाइस मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे घर के आजू बाजू ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि स्कूटी थी उस पे और मुझे स्कूटी ढंग से चलानी नहीं आती थी, तो उसी ने गाइस मुझे घर के आजू बाजू ड्रॉप कर दिया। एंड फिर वहां से गाइस मैं विदाउट बैग घर के अंदर जा रहा था, एंड तभी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया कि तेरा बैग कहाँ है, तो अभी स्कूल से आया, तेरा बैग कहाँ गया। फिर मैं क्या बोलता गाइस, मैं चुपचाप सुन रहा था और मम्मी बोले जा रही थी, अगर मम्मी के बीच में बोलता तो मम्मी हेडशॉट मार देती सीधा थप्पड़, तभी मैं सिर्फ सुन ही रहा था मम्मी बोले जा रही। फिर गाइस एंड में मैंने बोल दिया कि जो मेरा बैग है वो मेरे दोस्त के पास है, वो शाम तक मेरा बैग दे देगा। तो मम्मी को लगा कि चलो ठीक है, शाम तक अगर आ जाता है तो बढ़िया, अगर शाम को तेरा बैग नहीं आया तब तो तू खैर नहीं, मैं समझ गई तूने क्या किया, स्कूल से जरूर तू टपा होगा। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे दोस्त के पास ही बैग है, आप देख लेना शाम को मेरा बैग घर पे आ जाएगा। अब देखो गाइस मैं छोटा सा बच्चा, जिंदगी में कितने टेंशन लूं, यहाँ पे एक बैग का टेंशन है, वहाँ पे वो क्लास टीचर की बेटी मेरी गर्लफ्रेंड उसका एक टेंशन है, और कल को स्कूल जाऊंगा उसका एक टेंशन कि क्या होगा कल स्कूल में। तो बस जिंदगी के एल लगने चालू हो चुके थे, अब मैं क्या करता कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर गाइस एक ना कॉल आता है मेरे पे मेरे दोस्त का, वो ना बोलता है कि भाई जल्दी से आ, तुझे एक चीज दिखाना है, तू बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अब भाई इतना कुछ तो पहले से टेंशन में था, अब उसने बोला कि तू खुश हो जाएगा एक चीज है, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं देख लेते हैं क्या वो बता रहा है। और मेरा दोस्त था इसलिए गाइस जाना भी पड़ गया था जरूरी, क्योंकि देखो अब दोस्त बुलाते ना तो उनको कभी मना नहीं कर सकता हूँ मैं। तो उसने मुझे बुलाया, मैं गया, फिर जाके वो मुझको बता रहा है कि तेरा बैग मैंने अपने बैग के अंदर भर लिया था, वरना तू तो गया था भाई। उसने जैसे मुझको ये बात बताई ना, मैंने थप्पड़ मारा उसको, और ना मैंने बोला तू चूतिया है क्या साले। फिर मेरा दोस्त गाइस मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, एंड गाइस मुझे बहुत कुछ उसने बोला, बहुत सारी गाली दी जो कि मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि देखो उसने भी अच्छा ही काम किया था और मैंने भी उसे इसलिए थप्पड़ मारा था कि मैं टेंशन में था, अगर वो बैग अपने बैग के अंदर डालता ही नहीं ना तो मेरी गर्लफ्रेंड वो बैग लेके आके मुझे दे देती और घर पे मैं दिखा देता तो मम्मी मुझे इतना डांटती भी नहीं और बोलती भी नहीं, है ना भाई। अब आप लोग भी समझ रहे हो, पर वो थोड़ी ना समझ रहा था, और यहाँ पे भाई सबकी गलती होगी। और मेरा दोस्त भी मुझसे नाराज हो गया था, फिर मैंने उसको सॉरी वॉरी बोल के सब कुछ सुलटा दिया, फिर मैं उसको सब कहानी बता दी जो भी रियलिटी थी, जो भी हुआ था मेरे साथ, मैंने उसे सब कहानी बता दी। फिर वो मुझको कहता है कि भाई देख, अगर तू सोच, अगर तेरी वो गर्लफ्रेंड रहती ही नहीं जो क्लास टीचर की बेटी है, अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड रहती ही नहीं तब तू स्कूल से बाहर ही नहीं जाता, बैग वाला सीन ही नहीं होता, और तू इतना टेंशन में भी नहीं आता, और तू अपने मम्मी पापा से डांट भी नहीं खाता, प्लस तेरा टीसी भी कभी नहीं कटता क्योंकि क्लास टीचर की बेटी है, अगर तू उससे इसक लड़ाएगा तब टीसी तो कटेगी ना भाई, अगर तू इसक नहीं लड़ाता कभी तो भाई तेरा टीसी कटता भी नहीं। तो यार मुझे समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो ठीक बात कह रहा है। फिर उसकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब मैं ब्रेकअप ले लेता हूँ उससे, कि अब यार बातचीत करनी नहीं है, सब कुछ उसके वजह से ही हो रहा है। अब देखो हो भी उसकी वजह से ही रहा था, ये बात आपको भी पता है। अब मुझे नहीं पता यार जो प्यार होता है वो अच्छा होता है गलत होता है, बट मेरे साथ तो यहाँ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा था। अब मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में मैं आ गया था, बट कोई बात नहीं, फिर भी गाइस मैंने उसको नहीं छोड़ा, बिकॉज गाइस मैं उसको प्यार करता था, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने नहीं छोड़ा उसको। गाइस फिर से जैसे ही हमारा क्लास स्टार्ट होता था, हमारी क्लास टीचर मैम के साथ वो भी आती थी, एंड वो पूरे क्लास में सिर्फ मुझको ही देखती रहती थी और सिर्फ देखती रहती थी। और एक दिन ना उसकी ना मम्मी ने ना ऐसा समझा होगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसकी मम्मी ना मुझे घूर रही थी उस दिन बहुत ज्यादा, एंड वो मेरी क्लास टीचर है भाई, अब घूरेगी तो फटेगी तो है ही, मेरी सिंपल सी बात है, तो वो ना मेरी बहुत ज्यादा फट रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही लंच स्टार्ट हुआ गाइस, तो मैम ने ना मुझे ना अपने ऑफिस में बुलाया। अब मैम ने मुझे ऑफिस में बुलाया तो मैं डर गया कि भाई मैंने क्या कर दिया भाई, उनको पता तो नहीं चल गया सब बात, किडनी फेफड़ा सब कुछ बाहर आने लग गया। तो गाइस मैं जैसे तैसे गाइस सीढ़ी से उतरा और बहुत ही ज्यादा डर रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था मैं, और मैं जैसे तैसे मैम के ऑफिस में गया, और ना मैंने देखा वहां पे गाइस मेरी गर्लफ्रेंड भी बैठ रही। जैसे ही मेरी नजर मेरी गर्लफ्रेंड पे पड़ी मुझे हार्ट अटैक आने लग रहा था भाई, मेरा दिल एकदम मतलब क्या बताऊं, फेफड़ा किडनी सब कुछ बाहर आने लग गया, लिटरली गाइस मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था। उसके बाद जो मेरी क्लास लगी पिटाई हुई धुनाई हुई सब कुछ गाइस आपको पार्ट 3 में पता चलेगा, एंड ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर से बता देना। अगर आपको पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट पे लिख दो कि हमें जल्दी चाहिए, तो आपको जल्दी दे दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना सही, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।